हम लोगों ने अभी तक जो डिमार्केशंस लाइन है, सीएसआर होता क्या है उसको समझा लास्ट क्लास में, प्लस सीएसआर का कंप्लायंस की ऑब्लिगेशंस किसके ऊपर होती है, और उसके अलावा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सारे बिजनेस, ऑल बिजनेस को की रेस्पॉन्सिबिलिटी है फुलफिलमेंट करना। अपार्ट फ्रॉम दैट, सीएसआर के बारे में सीखा एंड कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सीखा। आज एक नए टॉपिक है, काइंड्स ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हमने जो लास्ट क्लास में सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में पढ़ा, अगेंस्ट में पढ़ा, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की इन रियलिटी पिक्चर को देखा, आज अपने पढ़ने जा रहे काइंड्स ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे करना है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग फोर कैटेगरीज में रख सकते हैं। तो हमने भी कहा भाई ठीक है रख लो। तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को फोर कैटेगोरीज में रखा गया है। पहला इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज की फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी। सिंपल से देखिए ना, COVID-19 के दौर में हर ऑर्गेनाइजेशन का काम था प्रोडक्शन करना, गुड्स सप्लाई करना। कौन सा गुड्स, कौन सा प्रोडक्शन, जो कंज्यूमर को रिक्वायर्ड है। COVID-19 के दौर में भी किराना शॉप ओपन था, अलाउड था, प्लस ऐसे बहुत सारे मेडिकल शॉप जो इमरजेंसी वाले थे, इसके अलावा भी प्रोडक्शंस हुआ। हम लोगों के COVID-19 मार्च से पहले किसी ने मास्क लगाया, कुछ सैनिटाइजर्स, सोशल डिस्टेंसिंग, ऐसे हम लोग नहीं जानते थे। लेकिन जैसे ही COVID-19 आया, तो अब कंज्यूमर को जो रिक्वायर्ड था, मास्क की जो शॉर्टेज हुई, सैनिटाइजर की जो शॉर्टेज हुई, तो इसका फुलफिलमेंट किसने किया, बिजनेस ने किया। तो बिजनेस इंटरप्राइज इज बेसिकली एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक मतलब प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस, प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस दैट वांट्स सोसाइटी। तो सोसाइटी को जरूरत है भाई, वो करके दो, प्रॉफिट पे ही करो। सोसाइटी को चिंता नहीं है उस बात की, दुख नहीं है, बट आप सोसाइटी को जो रिक्वायर्ड गुड्स है, सैनिटाइजर, मास्क, पीपीटी किट, ऐसे गुड्स आप COVID-19 के दौर में प्रोवाइड करें। हमारे यहाँ शुरुआती दौर में, हमारे यहाँ क्या कहीं भी COVID-19 का टेस्ट का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो अवेलेबल नहीं था, शॉर्टेज था। और धीरे धीरे आज देखो ना आप, कितने एम्पल क्वांटिटी अवेलेबल है। और हमने COVID-19 के दौर में एक हाइड्रो एक मेडिसिन होती है कॉम्बिनेशन का, जो आपका पाया जाता है मलेरिया ट्रीटमेंट में, और हमारा देश मलेरिया के लिए जाना जाता है। तो हमारे यहाँ ही वो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो COVID-19 के टेस्ट में कहीं ना कहीं, COVID-19 के इलाज में, ट्रीटमेंट में, वह रिकवरी दिखा रहा था। तो अब US कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्री है, उसका रिक्वायरमेंट, उसका डिमांड हुआ और इंडिया ने सप्लाई किया। तथागत, तो इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी की जब आपने बात किया, तो सिंपल सी बात है, सिंपल बात है, अगर पूछा इकोनॉमिक होता क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो बाद में, इकोनॉमिक होता क्या है, मिस प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस दैट सोसाइटी वांट्स। तो पहला इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, दूसरा लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी।
हर धरती का कानून होता है, और हमने देखा कोविड 19 में कर्फ्यू लगा, लॉकडाउन लगा, एंड लॉकडाउन में कंप्लीटली घर से निकलना प्रोहिबिटेड था। जो भी निकलता था पुलिस उस पर कार्रवाई करती थी, डंडा लगाती थी। तो एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो कानून बनता है उसका पालन करना बिजनेस का कर्तव्य होता है। अब बोलेंगे सर कोविड 19 और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब क्या था? कोविड 19 के दौर में सारे बिजनेस हाउस को शॉप बंद करना था, एक्सेप्ट सम मेडिसिन इसेंशियल आइटम्स को छोड़ के। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये मानना था, जो यह लोगों के द्वारा मिस टच से फैलता है, तो लोगों का टच ही नहीं होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाएगा, हर कोई घर में कैद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, बिजनेस हाउस शॉप नहीं खुलेगा। तो अल्टीमेटली जो है सो कोविड की जो प्रकोप है, पैंडेमिक है, उससे हम निजात पा सकेंगे, समाधान मिल सकेगा। तो कानून बनाई गई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, पर फिर भी बहुत सारे बिजनेस हाउस शॉप ओपन कर रहे थे, या जो गाइडलाइंस था उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, टाइम टेबल जो बना वो नहीं फॉलो कर रहे थे। तो यही कहा गया है, काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब बात करें, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होता ही है बच्चे, साथ में एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो ऑपरेट विद इन द लॉज ऑफ द लैंड, जो कानून बनाया है उस कानून का पालन करे। और लॉ को एवॉइड करे, एवॉइड करने में तो होता है पालन करना, लॉ एवॉइडिंग बनना है और सोशल रेस्पॉन्सिबल बनना है। अभी अब देखिए ना, हमारे कुछ बच्चे हैं क्लास में लेट आने की प्रथा कायम करना चाहते हैं, लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं बनेंगे, बट एक इथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। अब उनके लिए मैं इंतजार करता हूं, अच्छा लगता है उनको। इथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोग आ जाएंगे एकदम टाइम पे आएंगे, हम टाइम पे स्टार्ट करेंगे, कभी कदाल हो जाता होगा लेट वक्त, जब नेटवर्क है, इंटरनेट इशू है। तो एक हम लोगों ने देखा लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, अब आती है इथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो बिहेवियर ऑफ द फर्म कैसा होगा। अब मैं फिर पुनः कोविड से जोड़ता हूं, देखिए कोविड 19 में बात को समझिएगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, वहां पे बिहेवियर ऑफ द फर्म की बात कर रहे हैं। जब कोविड का दौर आया तो बहुत सारी संस्थाएं ने आगे बढ़ के पीएम केयर्स फंड में डोनेशंस दिया, पर कुछ ऐसी संस्थाएं भी थी जो सामान की कीमत ज्यादा करके लेने लगा, एमआरपी 200 तो कह रहा नहीं 300 रुपया लेंगे, का है भाई लॉकडाउन है, सामान का स्कार्सिटी है, सप्लाई नहीं आ रहा है। अभी होता है हर बिजनेसमैन की ये चाहत होती है कुछ ऐसा आपदा आवे और जिससे सामान की स्कार्सिटी हो और पैसा कमावे। प्याज की दाम क्यों बढ़ जाता है, स्टोरेज की वजह से, पैसे वाले लोग उसको स्टोरेज करके रख लेते हैं और मार्केट में शॉर्ट सप्लाई हो जाता है और जब ऊंचे दामों पे बेचना होता है। तो इथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है बिजनेस की, क्या जो ऐसे समय पे आप इथिकल रहो। अभी मैं एक एग्जांपल, मेरा ही क्लाइंट है, सैनिटाइजर की बात करते हैं, वो बल्क में होलसेल करते हैं, तो सरकार की नियम आई थी जो मैंने बताया भी था, जो 100 ml की सैनिटाइजर जो अच्छी क्वालिटी की होती है उसका कॉस्ट MRP 100 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता है,
बट उसकी कंपनी ने 100 ml की एमआरपी को जो होना चाहिए था, 100 ml पे एमआरपी 100 रुपया होना चाहिए था, उसकी एमआरपी 135 रुपया करके बेच रहा था। और कोइंसिडेंटली जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं उन्होंने छापा किया, मिस बेल की इंक्वायरी की और पता चला, और उन्होंने नोटिस जारी कर दिया। तो पैसे कमाने की होड़ में थे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे थे वो कॉरपोरेट वो कंपनियां। भाई भारत सरकार का गाइडलाइन से हर कंपनियां जो 100 रुपए में प्रोवाइड कर रही है, तो आपको क्या ऐतराज है? इस पे सरकार का दिशा निर्देश ये था, जो आपको सैनिटाइजर पे पैसा कमाना नहीं है, अभी देश को बचाना है, और ऐसे वक्त पे आपको हाथ आगे बढ़ाना है बिजनेस हाउसेस को, क्योंकि बिजनेस आपने जितने भी ग्रो किए हैं, ग्रोथ किए, सर्वाइव किए हैं, कहाँ? सोसाइटी के अंदर। आज सोसाइटी के अंदर समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, आज सोसाइटी को देने का वक्त आया है। तो उस वक्त फिर से पुनः पैसा कमाने की बात आप सोच लिए, तो वही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप विमुक्त हो गए, अपने आप को दूर कर लिए। इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सो इथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिस्क्रिशनरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। और भी बोलता है इथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी में, एडवर्टीजमेंट, किसी प्रोडक्ट को एडवर्टीजमेंट मिस दूसरे रिलीजन्स के सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना है, रेस्पेक्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट एंड डिग्निटी ऑफ पीपल। हर प्रथा, क्योंकि हमारा देश जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, और यहां पे हर धर्म जाति के लोग रहते हैं, तो बिजनेस हाउस को इसका भी रेस्पेक्ट करना है, आदर करना है, सम्मान करना है, और रिलीजियस जो सेंटिमेंट होता है उसको छेड़छाड़ नहीं करना है वाइल एडवर्टाइजिंग ए प्रोडक्ट। जब आप किसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो वहां पे आपको रिलीजियस सेंटिमेंट को रेस्पेक्ट करना, और इसके लिए वॉलेंट्री एक्शंस होना चाहिए, एलिमेंट ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस। अब आते डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी मतलब होता है अपनी स्वेच्छा के अनुसार से, आप मतलब आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो दिस रेफर्स टू प्योरली वॉलंटरी ऑब्लिगेशंस दैट एन एंटरप्राइज एज्यूम्स। और सारे थे कंपल्शंस वाले थे, बट यहां पे डिस्क्रिशनरी मतलब आपके ऊपर है। वॉलंटरली ऑब्लिगेशंस दैट, वॉलंटरली आपकी इच्छा से, वॉलंटरली ऑब्लिगेशंस दैट एन एंटरप्राइज एज्यूम्स। फॉर इंस्टेंस आपको चैरिटेबल कंट्रीब्यूशंस करना है। अभी आपने देखा COVID-19 के दौर में कुछ कंपनियां आगे बढ़ के आई, डोनेशंस दी। कुछ ऐसे होते हैं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को हेल्प करते हैं या एजुकेशन जैसी इस्टेब्लिश करते हैं। बिजनेस हाउस में तो बहुत सारी कंपनियां जुड़ी हुई है, लाखों प्रोडक्ट, लाखों कंपनियां, बट कितने स्कूल उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट किया है? बहुत फ्यू। तो ये डिस्क्रिशनरी है, उनके ऊपर डिपेंड करता है, और हेल्पिंग द अफेक्टेड पीपल ड्यूरिंग फ्लड और अर्थक्वेक्स। बच्चों, जब किताब लिखी गई थी उस वक्त COVID-19 नहीं था, आने वाले वक्त में यहाँ पे एक आप देखेंगे 2 साल के बाद इस किताब को उल्टा कर देखिएगा तो कोविड कोविड बड़ा हुआ रहेगा, जैसे आज मैं कोविड कोविड करता रहता हूं ना, हर बात पे एग्जाम्पल बनता है, COVID-19 COVID-19। तो आपकी किताब में भी COVID-19, और अच्छे से तैयारी भी कर लीजिएगा, हो सकता है 2-4 क्वेश्चन भी एग्जाम में आवे COVID-19 पे, अगर लेख वगैरह लिखने की बात आएगी CBSE बोर्ड वाले को, तो हो सकता है COVID-19 पे लिखने के लिए बोल दे। तो अभी से तैयारी कर लीजिएगा, COVID-19 नेट पे सर्च वर्च करके एक आर्टिकल बनाइए, COVID-19 पे लिखने का तैयारी चालू कर दीजिए। हर इंटरव्यू में पूछना है क्या था, क्या था, क्या समस्याएं इससे आई, तो कैसे इसको छुटकारा पाया जाए, तो इस तरह से आपने क्या किया नहीं किया, इस सारी बातें जो है सो COVID-19 की आने वाली है सिलेबस में।
क्योंकि एक बहुत बड़ा पेंडेमिक रहा कि अभी भी चल रहा है, अभी भी उसे छुटकारा नहीं मिला है जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाता है। अभी तीन ही मंत्र है, सोशल डिस्टेंसिंग जिसका पालन हम लोग तो बखूबी कर रहे हैं, ऑनलाइन के द्वारा डिजिटल एकदम है, सोशल डिस्टेंसिंग फुल मेंटेन कर रहे हैं, और सैनिटाइज की बात आती है तो देखिए तो मैं बगल में लेके बैठता हूँ, अब मास्क भी है और कोई है नहीं, अकेला हूं तो आप लोग भी अकेले हो हैं और फैमिली के अंदर मास्क लगाना कोई जरूरी नहीं, तो हम लोग सरकार के नियम को बिल्कुल पालन कर रहे हैं। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी मैनेजमेंट टू सेफ गार्ड द कैपिटल इन्वेस्टमेंट एवॉइडिंग स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, करने का मतलब करे आपको अब स्पेकुलेट करने का मतलब होता है एक अनुमान लगाना जो आने वाले समय में, जैसे प्याज का दाम बढ़ेगा तो आप प्याज का स्टॉक कर लेते हैं, दैट इज ए स्पेकुलेटिव एक्टिविटी। और अक्सर होता है प्याज का दाम बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है, व्यापारी सोचता है ओह अब गिरेगा गिरेगा गिरेगा, देखता है बढ़ ही रहे तो जाके कुछ 2-5 लाख रुपया लगा देता है, स्पेकुलेट करता है, चलो और लगता है बढ़ेगा, और पता चलता है जैसे ही उसने खरीदा कि वो दाम गिरना चालू हो जाता है, तो उसे क्या होगा, वो व्यापारी का जो कैपिटल है वो कैपिटल ब्लॉक हो गया। अब प्याज 5 लाख में खरीदा, अब उसकी कीमत हो गई 2.5 लाख। अब सोचो बच्चे, कमाई हुई पूंजी भी तो गिर गई ना। तो बिजनेस हाउस की एक और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भाई आपकी जो कैपिटल है उसको सेफ गार्ड करके रखो, तभी तो वो आप धंधा कर सकोगे और हेल्दी बिजनेस कर पाओगे। तो हम लोग बात कर रहे थे बच्चे काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, हम लोगों ने समझा इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिस्क्रिशनरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। सर इंटरेस्ट ग्रुप्स होता क्या है? अरे बिजनेस में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं, रुचि रखते हैं। किस तरह का रुचि रखते हैं? एज ए कंज्यूमर आप रुचि रखते हैं जो आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले, और एज ए महिला आप सोचेंगे प्रसाधन सामग्री जो है सो कॉस्मेटिक्स आइटम्स अच्छे अच्छे आए, कंपनियां बनाई। तो इस तरह से जिसका जो शौक फैशन इंटरेस्ट है वह एक्सपेक्ट करता है कंपनी से, कॉर्पोरेट हाउस से, बिजनेस हाउस से। तो कह रहे हैं वंस द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस इज रिकॉग्नाइज्ड, चलो हमने रिकॉग्नाइज्ड किया, अभी तक तो किया ना, इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्क्रिशनरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस अगर रिकॉग्नाइज हो गया मेरे बच्चों, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हुम एंड फॉर व्हाट द बिजनेस एंड इट्स मैनेजमेंट आर रेस्पॉन्सिबल। अब मेरे को समझना है, ठीक है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है, किसके प्रति, हुम एंड फॉर व्हाट, और किस चीज के लिए हम रेस्पॉन्सिबल हैं। And its management are responsible. Obviously, a business has to decide in which areas, किस area में उसको responsibility provide करना है। तो goal fix करना होगा social responsibility को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे बात आई whom, what and which areas। तो कुछ specific responsibility जो है सो उसकी बात यहाँ पे हो रही है। Responsibility towards the shareholders or owners. Shareholders कौन होता है? कंपनी बनाते हैं, कंपनी बनाए थे, बताए थे आपको, जो
पैसा लगाता है, जो शेयर खरीदता है, उसको शेयर होल्डर बोलते हैं, ओनर भी बोलते हैं। प्रोप्राइटरशिप में ओनर होता है, पार्टनरशिप में पार्टनर होता है, और ओनर भी होता है, उसको ओनर भी बोल सकते हैं। तो अब जो कंपनियां हैं, जो कॉरपोरेट हैं, उनका काम है, हम जानते हैं शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं। मैं ही सोचो ना, बहुत सारी कंपनी में शेयर में पैसा लगा के बैठा हूं, एनटीपीसी हो गया, एनएचपीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ हो गया, एचपीसीएल हो गया, आईडीबीआई हो गया, एसबीआई हो गया, तो पैसा तो लगा दिया, बट मुझे तो पता ही नहीं उस कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, और हम तो यहां बैठ के आपका क्लास ले रहे हैं। तो अब उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हम तो शेयर होल्डर्स हैं, हम तो ओनर हैं उस कंपनी के, हम तो लेकिन देखभाल नहीं कर रहे हैं, हम बहुत दूर हैं, कंपनी तो ऑफिस उसका या तो मुंबई में है या तो दिल्ली में है, बट हमें टाइम टू टाइम रिटर्न मिलना चाहिए ना, पैसा वापस मिलना चाहिए ना, मैंने जो पैसा लगाया है उस पर रिटर्न मिलना चाहिए ना। तो कंपनी हमको जो है सो डिविडेंड देती रहती है, बीच बीच में शेयर का प्राइस भी बढ़ता रहता है, तो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? उसके अंदर में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, जो कंपनी को सही से चलाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे के बैठा है। तो फेयर रिटर्न, तो एज ए शेयर होल्डर्स मुझे फेयर रिटर्न चाहिए, कंपनी में कोई गड़बड़ी नहीं करना है भाई। फेयर रिटर्न ऑन टू द शेयर होल्डर्स और ओनर्स ऑन देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हमने जो कैपिटल लगाई है उस पर हमें जो रिटर्न मिलनी चाहिए, फेयर रिटर्न मिलनी चाहिए। और जब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट इंटरप्राइज, तो बात करते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब भी बात करें बच्चों कॉर्पोरेट फॉर्म, तो अपने बात कर रहे हैं कंपनी फॉर्म के बारे में, और कंपनी फॉर्म के बारे में जब बात करें तो वहां पे आता है शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर को हमको और क्या चाहिए? रेगुलर एक्यूरेट एंड फुल इंफॉर्मेशन। अभी मैं बस एक झलक शेयर करना चाहता हूं, जस्ट ए मिनट। रेगुलर एक्यूरेट एंड फुल इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स वर्किंग एज वेल एज स्कीम्स ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। तो अभी मैं शेयर करता हूं कैसे कंपनी जो है सो हमें रेगुलर एक्यूरेट एंड फुल इंफॉर्मेशन शेयर करती रहती है अपने ग्रोथ के बारे में, प्लस 1.5 मिनट। तब तक ईमेल ओपन हो रहे हैं, आगे बढ़ते रहते हैं अपने। तो बच्चे पहली बात हम लोगों ने सीखा, रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स द शेयर होल्डर्स।
ओपन नहीं हो रहा है, पासवर्ड का थोड़ा इशू है, हम आपको कल शेयर करेंगे। तो टाइम टू टाइम कंपनी सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहती है, डिविडेंड डिक्लेयर करती है उसका भी इन्फॉर्मेशन, या कंपनी के अंदर कुछ जो भी एक्टिविटी होना है दे प्रोवाइड। अब आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स वर्कर। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में या फैक्ट्री के अंदर में जो भी वर्कर है उसके प्रति भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और पुनः मुझे कोविड-19 का याद आ गया। हम लोगों ने देखा कोविड-19 में जो वर्कर थे और रास्ते पे आ गए, रोड पे आ गए, रेल से कट गए हजारों की संख्या में। अगर वह जितने भी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सारे बिजनेस हाउस से अपील कर रहे थे जो आप वेतन मत रोको, वेतन दो कर्मचारियों को, जो बेसिक सुविधाएं हैं वह प्रोवाइड करो, लेकिन कुछ बिजनेस हाउसेस, और बात भी सही था, कहीं ना कहीं बात ये भी बनती है, अगर बिजनेस हाउस के पास खुद के लिए नहीं है, मान लीजिए उनका बिजनेस बंद हो गया, उनके पास खुद पैसा नहीं, बहुत सारे ऐसे बिजनेस होंगे, नए बिजनेस स्टार्टअप बिजनेस हो सकते हैं, जो जिसने 5 लाख बैंक से लोन लेके अपना एक छोटा सा कारखाना बैठाया था इस उम्मीद में जो हमारा माल बिकेगा हम प्रॉफिट कमाएंगे तो बैंक को भी वापस करेंगे अपने परिवार को भी चलाएंगे, बट ऐसा नहीं हो सका। तो वर्कर की तरफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैं कहना चाहता हूं अगर बिजनेस हाउस अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाया होता 100%, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं जो बिजनेस ने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाया, लेकिन कुछ ऐसे हो सकते हैं जो नहीं दिखाए, जिनके कारण ही हजारों की संख्या में लोग रास्ते पे आ गए। अगर उनको भोजन सही से मिलता और सांत्वना मिलता, पैसा मिलता रहता, तो वह इस तरह से परेशान होकर रास्ते पे नहीं आते। तो वर्कर ने सोचा या तो कोविड से मरे या भूखे मरे, तो बेहतर घुट घुट के मरने से है जो एक बार मर जाए, और वर्कर ने रास्ते पे आ गया, रोड पे आ गया। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स द वर्कर्स, हर मैनेजमेंट को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपॉर्चुनिटी टू द वर्कर्स फॉर मीनिंगफुल वर्क। और राइट काइंड ऑफ वर्किंग conditions, हम शुरुआती दौर से ही बात करते आ रहे हैं बच्चों आपसे, इस क्लास जब जब से हमने स्टार्ट किया है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो राइट काइंड ऑफ वर्किंग conditions मीन्स ऐसा वर्किंग conditions जहां पे एम्प्लॉई सही से काम कर सके। आप जा रहे हो काम करने फैक्ट्री के अंदर में, वहां पे मॉस्किटो बहुत है, गंदगी बहुत है आसपास, खिड़की खोलने के बाद स्मेल आ रहा है, प्रॉपर साफ सुथरा नहीं है, और कम स्पेस में आपने 50 एम्प्लॉई को भर दिया है, तो राइट काइंड ऑफ वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना होगा। और वर्कर का जो डेमोक्रेटिक राइट्स है उसको भी रेस्पेक्ट करना होगा, यूनियन बनाने देना होगा, और फेयर वेज चाहिए एंड फेयर डील चाहिए। वर्कर को और क्या चाहिए बच्चों? वर्किंग कंडीशन चाहिए और पैसा चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन से तो यही चाहिए। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स इंटरेस्टेड पीपल। तो पहला हम लोगों ने देखा शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, ओनर के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसके बाद हम लोगों ने देखा वर्कर के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, अब आता है कंज्यूमर। और लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कंज्यूमर जो होता है किंग होते हैं, क्योंकि भी किसी भी कॉरपोरेट हाउस, किसी भी बिजनेस हाउस जो प्रॉफिट कमाता है कहां से कमाता है, अपना प्रोडक्ट किसको बेचता है, कंज्यूमर को बेचता है, सोसाइटी का एक पार्ट है।
तो पहले हम लोग एनजीओ नट से बात कर रहे थे, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी। अब देखो बच्चे, उसी सोसाइटी के अंदर में एक शेयर होल्डर्स भी था, उसी सोसाइटी के अंदर में एक वर्कर भी है, उसी सोसाइटी के अंदर में एक कंज्यूमर भी है। तो अभी हम लोग डिफरेंट इंटरेस्टेड ग्रुप जो एक सोसाइटी में रहता है उसके बारे में बात कर रहे हैं वन बाई वन। तो हम लोगों ने शेयर होल्डर्स के बारे में बात कर लिया, वर्कर के बारे में बात कर लिया, अब बात कर रहे हैं कंज्यूमर के बारे में। और स्टार्टिंग से ही अपने बात करते हैं राइट क्वालिटी। एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स, देखिए राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों बोल रहे हैं, एट ए रिजनेबल प्राइस। अक्सर हम लोग देखते हैं, अक्सर नहीं कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, जो ऑनलाइन ऑर्डर किया और उस जब वो पार्सल को ओपन कर रहे हैं तो ऑर्डर किया था मोबाइल फोन, उसके अंदर में कोई कुछ और है। रिसेंटली मेरे साथ ही हुआ, मैंने एक कंपनी को मेडलाइफ ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डर किया और उसने दूसरा मेडिसिन सप्लाई कर दिया, और मैंने रिटर्न के लिए भी रिक्वेस्ट किया बट टिल नाउ कंपनी का कोई बंदा नहीं आया, अभी भी वो मेडिसिन पड़ा हुआ है। तो क्या बिजनेस हाउस कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? तो उन्होंने क्या किया, राइट ना ही राइट क्वालिटी है ना ही राइट क्वांटिटी है। तो एज ए रेस्पॉन्सिबल बिजनेस हाउस यह दायित्व तो बनता है बिजनेस का जो कंज्यूमर को राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी और क्वालिटी सप्लाई करे। यह सोच की बात होती है, बिजनेस सोचता है चलो एक बार में प्रॉफिट कमा ले। कुछ नैरो माइंडेड मीन माइंडेड लोग होते हैं, सोचते हैं जो कस्टमर को चीट करके पैसा कमा ले। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आप लंबे समय तक बिजनेस नहीं कर सकते। कितना दिन ऐसा चीटिंग करेंगे? एक बार मान लीजिए आज मेरे को मेड लाइफ पे आज भी हो रखा हुआ है और कंपनी ने रिटर्न नहीं लिया तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करना बंद कर दिया, मैंने दूसरा रास्ता निकाला। तो कंपनी जो मेरे से प्रॉफिट कमा रही थी वह उसका बंद हो गया। तो इसलिए कंज्यूमर को आपको राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एट अ रिजनेबल प्राइस प्रोवाइड करना है, और प्रॉपर प्रिकॉशंस अगेंस्ट एडल्ट्रेशंस, मतलब मिलावट की बात कर रही है। अक्सर यह देखा गया है तेल में, दूध में, घी में मिलावट होती है, मिलावट की सामग्री बेची जाती है, एडल्ट्रेशंस। एडल्ट्रेशंस का नाम कुछ मिला के बेच रहा है। अब अच्छी क्वालिटी की चीनी है उसमें कुछ और मिला दिया, सूजी है कुछ और मिला दिया, चावल है उसमें कुछ और मिला दिया, अच्छे क्वालिटी में कुछ घटिया क्वालिटी मिला दिया, तो उसको बोला जाता है एडल्ट्रेशंस। पुअर क्वालिटी, जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, लैक ऑफ डिजायर्ड सर्विस एंड कटसी टू कस्टमर्स, और हम लोग करते हैं मिसलीडिंग एंड डिसऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग जो हकीकत में नहीं है, जो हम पूरा नहीं कर सकते हैं उसके बारे में। तो इस तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स कंज्यूमर्स। तो हम लोगों ने देखा बच्चे शेयर होल्डर्स के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद वर्कर के प्रति, कंज्यूमर के प्रति। अब बात कर रहे हैं गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी। सर गवर्नमेंट भी सोसाइटी में आता है जी बच्चे। सो गवर्नमेंट कहाँ रहता है? इस सोसाइटी के अंदर ही सब पार्ट है ना, तो गवर्नमेंट के प्रति भी रेस्पॉन्सिबिलिटी जी। गवर्नमेंट जो कानून बना रहा है उसका पालन कीजिए, और सरकार को क्या चाहिए? टैक्स चाहिए, टैक्स समय पे दीजिए ना, सरकार खुश रहेगी। रेगुलरली दीजिए और ऑनेस्टली दीजिए, और टैक्स पे करेंगे तो बिहेव गुड सिटीजन कहे जाएंगे, आप अच्छे नागरिक कहे जाएंगे, और यह भी माना जाएगा जो आप जो सोसाइटी का वैल्यू है आपने उसे एक्सेप्ट किया है। इसके अलावा भी आपको
प्रोटेक्ट करना है जो इन्वायरमेंट में की जो समस्याएं हैं उसको प्रोटेक्ट करना है, एंड अवॉइड करना है आपको बैड इफ्लुएंट स्मोकी, ऐसा गाड़ी से पॉल्यूशन मत निकालिए, स्मोकी चिमनी, फैक्ट्री के अंदर में चिमनी ऐसा लगाइए जो आपका जो उसे निकले स्मोकी स्मोक जो निकले, जो धुआं जो निकले बहुत ही डेंजरस लेवल ना हो, एंड डर्टी वर्किंग कंडीशंस। तो इस तरह से बच्चों हम लोग ने देखा इंटरेस्टेड ग्रुप के प्रति जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। दस मिनट या 5 मिनट, और एक बात करना इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस के बारे में। अभी आज थोड़ा सा मैं हिंट्स दे के छोड़ता हूं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए, और एक बहुत बड़ी समस्या ही है और मुझे लगता है रहेगा भी, वातावरण का प्रदूषित होना। आज COVID-19, पुनः मैं COVID-19 पे आ गया आप बोलेंगे, क्योंकि तो ये बहुत बड़ी समस्या है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। और दिल्ली के हमारे जो मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब हैं, उन्होंने कहा अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर और सारे चीफ मिनिस्टर के बीच में वार्ता हो रही थी, उन्होंने रखा जो दिल्ली में COVID-19 बढ़ने की जो समस्याएं आ रही है उसके पीछे प्रदूषण एक बहुत बड़ा कारण है। और आसपास के इलाके में जो पुआल जलाए जा रहे हैं उससे प्रदूषण बढ़ रहा है, और आसपास के राज्यों में से बात करके प्रधानमंत्री जी कृपया इस चीज से निजात दिया जाए। तो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इज सीरियस इशू, मैंने स्टार्ट वहीं से किया, सीरियस इशू है, था और रहने वाला है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से, फैक्ट्रियां बढ़ने से, आराम बढ़ने से, सुख सुविधा बढ़ने से बच्चों सब प्रदूषित ही तो हो रहे हैं। पानी प्रदूषण, हवा प्रदूषण, वातावरण प्रदूषण, इसके लिए वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट बनाया गया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस, एयर प्रोटेक्शंस, और इस तरह से। तो बिजनेस देखिए, पॉल्यूशन कहां से निकल के आती है, बिजनेस हाउस निकालती है। आज BS4 गाड़ियां हुआ करती थी, आज BS6 गाड़ियां लॉन्च होने वाली है, मतलब सरकार ने नियम बनाया है भाई BS4 बहुत पॉल्यूशन कर रहा है, अब ऐसी गाड़ी बनाओ जो थोड़ा पॉल्यूशन कम करे। और ये बिजनेस हाउस को सोच रहे हैं, हम लोग बात कर रहे थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, मिस अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हुआ, डेवलपमेंट करो कोई एतराज नहीं है, बट फ्यूचर जनरेशंस के बारे में भी सोचो। आज जो पॉल्यूशन की समस्याएं हैं, इतने डिजीज क्यों पॉल्यूशन की वजह से, लंग्स में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ब्रीथिंग इश्यू आ रहा है, ओल्ड एज पीपल अर्ली डेथ कर रहे हैं। तो प्रोटेक्शंस, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस एक बहुत बड़ी चर्चा की बात है और आपके सिलेबस में है, और यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस हाउस को है। आज मैं यहीं पे फुल स्टॉप देता हूं, अब आप लोगों से सवाल कोई है तो पूछ सकते।
कोई सवाल नहीं है? सर, वो एक पॉइंट पूछना था, एकदम पूछिए। डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लास। जी, डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लास। देखिए, हमारे देश में अभी क्या है, बहुत सारे IIM इंस्टीट्यूट्स बने हैं। तो स्टार्टिंग पीरियड में जो बिजनेस हाउस हुआ करते थे, तो वहां पे प्रोफेशनल मैनेजर नहीं होते थे। बट आज के डेट में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, जो प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं, जो पढ़ लिख के आते हैं। देखिए, मैनेजर्स दो तरह के बनते हैं। एक तो क्या है, ओनर है बिजनेस का, मैनेजर्स हैं, मतलब पूरे बिजनेस को प्रबंध कर रहे हैं, तो मैनेजर्स हैं। हो सकता है वो कोई क्लास 8 पास है, तजुर्बा के बेसिस पे वो मैनेजर्स हैं। बट आज के डेट में प्रोफेशनल मैनेजर्स भी हैं, जो हायर इंस्टीट्यूट्स से पढ़ाई करके आ रहे हैं, बेटर क्वालिफिकेशंस है, तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं प्रोफेशनल मैनेजर। तो उसी के बारे में बात हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर। ओके, यस सर, और एनी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चंस? इथिक्स एक बार समझा दीजिए ना। बिजनेस एथिक्स, इसके बाद अभी आपका चैप्टर्स है। अभी बिजनेस एथिक्स पे अभी मैंने चर्चा नहीं चालू किया है। एक कंप्लीट बिजनेस एथिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके एक आप देखिए, यहाँ पे आपका सिलेबस में जब सारी बातें खत्म होगी तो सबको समराइज करके बिजनेस एथिक्स एक टॉपिक ही है। ऑल्दो थोड़ा थोड़ा बात किया है, बट बिजनेस एथिक्स इज ए सेपरेट टॉपिक। सो इस क्लास में हम बिजनेस एथिक्स पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं। बिजनेस एथिक्स पे देखिए पूरी लंबी लंबी बातें लिखी हुई है। आप अभी भी NCERT की बुक फॉलो नहीं कर रहे हैं ना? सर, पूरा कंप्लीट, दो नाव की सवारी मत कीजिए अश्रुति। एग्जाम अगर पास करना है, अच्छे रिजल्ट लाना है, कंसेप्चुअल डेवलपमेंट करना है, वन बुक फॉलो कीजिए। और जितना मैं कह रहा हूं ना, बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, उसको फॉलो कीजिए। NCERT को कंप्लीट फॉलो कीजिए। ऑल बुक्स जो लिखी गई है, सारे NCERT को फॉलो करके लिखी गई है। और आगे मैं बता दूं, कोई भी बुक होता है, राइटर उसका एक या दो होगा, लेकिन ये बुक जो लिखी गई है, टीम, NCERT की टीम लिखी है। और जो इस एरिया में, NCERT की टीम में वो लोग हैं जो इस एरिया, BST के एरिया की महारत हासिल है। तो यह जो किताब लिखी हुई है, बहुत बेस्ट बुक है, और सारे बुक यहीं से लिखी जाती है। क्योंकि हम जानते हैं NCERT को जो पैटर्न है वही फॉलो करना है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो। सिलेबस तो बाहर से लाने नहीं है, तो इसी में और सारी किताबें क्या करती है, तोड़ जोड़ करती है। हम ये नहीं बोल रहे कि दूसरी किताब नहीं पढ़नी चाहिए, पढ़िए, अच्छी बात है। बट पहले तो आप जो बेसिक चीज है, वो जो कंसेप्ट है, वो तो डेवलप कीजिए, और वो यहां से हो सकता है, फिर दूसरे बुक पे फॉलो कीजिए। दो नाव की सवारी मत कीजिए। अभी वन बाई वन आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, और लगता है किसी टॉपिक में नहीं समझ में आ रहा है, फिर आप सजेशन लीजिए। और आपकी SBPT पब्लिकेशन जो है, उन बच्चों के लिए जो क्लास नहीं कर रहे हैं, आपको इतने बेहतरीन तरीकों से बताया जा रहा है, हर पॉइंट की, हर शब्द के ऊपर चर्चा हो रही है। एक आपका जो छठा चैप्टर है, अभी 4 क्लास मैंने, 5 क्लास हो गया, जो 2 क्लास में मैं खत्म कर सकता था, 3 क्लास में खत्म कर सकता था। चलिए, ओके, थैंक यू। और एनी अदर क्वेश्चंस? नो सर, ओके, चलिए, थैंक यू। दिल्ली में बहुत ठंड है क्या रोहित? नो सर, नॉर्मल। कितना टेम्परेचर से है? नॉर्मल ठंड है। टेम्परेचर
चलिए कोई बात नहीं, ओके तो चलो ठीक है, खाना फिर कल में मिलते हैं। बना थैंक यू। के है।